नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं पंच महापुरुष योग किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पंच महापुरुष योगों के नाम क्या हैं। रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, शश योग। हाँ जी, ये पंच महापुरुष योग हैं। और ये बनते कैसे हैं मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ। तो रुचक योग जो बनता है वो मंगल के द्वारा बनता है, भद्र योग जो बनता है वो बुध ग्रह के द्वारा बनता है, हंस योग जो बनता है वो बृहस्पति ग्रह के द्वारा बनता है, मालव्य योग जो बनता है वो शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है, और शश योग जो बनता है वो शनि ग्रह के द्वारा बनता है। ये पंच महापुरुष योग जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उच्चस्थ पोजीशन पे जाता है और साथ में समाज को भी सेवा पे, समाज में भी सेवा करता है और बहुत अत्यधिक समाज में परोपकारिता का कार्य करता है, क्योंकि उसमें जो गुण होते हैं एक व्यक्ति विशेष के गुण होते हैं। व्यक्ति विशेष में जो गुण प्राप्त होते हैं वो इन महापंच पुरुषों में, इन ये जो महापंच पुरुष योग है यदि बन रहा है तो उस व्यक्ति में व्यक्ति विशेष गुण मिलेंगे। अब ये पंच महापुरुष योग में यदि राहु केतु बैठे हुए हैं या इनकी दृष्टि है तो उसका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। नवमांश कुंडली में यदि वही ग्रह, जैसे मान लीजिए बृहस्पति हंस योग बना रहा, तो नवमांश कुंडली में बृहस्पति जाके नीच का हो गया है तो इस योग का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। या वहाँ अपने किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट है या किसी पापी ग्रह की पोजीशन वहाँ पे पोजीशन दृष्ट हो रहा है या उसके घर में बैठा हुआ है तो योग तो बनता है लेकिन वो कुछ अपनी प्रभाव को कम कर देता है। तो ये पंच महापुरुष योग इस प्रकार से ऐसे बनते हैं। यदि कुंडली में एक है तो विशेष है, एक से यदि ज़्यादा है तो बहुत विशेष है, और पांचों योग किसी की भी कुंडली में जल्दी नहीं पाए गए क्योंकि ये दुर्लभ है। तो ये मैंने बताया कि पंच महापुरुष योग इस प्रकार से ऐसे बनते हैं, इन इन ग्रहों से ये पंच महापुरुष योग बनते हैं और इस प्रकार से इनका प्रभाव होता है। तो आज आपको मैंने इन चीज़ों के विषय में बताया, आगे आपको पांचों पंच महापुरुष योग के विषय में अलग अलग करके बताऊंगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।